था दोपहर का, और मैं काव्या को क्लासेस छोड़ कर, वो सॉरी स्कूल छोड़ कर आई थी। तो उसके बाद मैं दोपहर को मतलब धूप से आई थी, तो मैंने लिया था मेरे लिए कोकम शरबत। मैंने कहा चलिए गर्मी बहुत है तो कोकम शरबत पी लिया जाए। और इतने ही में ही टाइम हो गया फिर काव्या के स्कूल से आने का, तो मैं अब जा रही हूँ। तो ये ब्लॉग स्टार्ट तब किया मैंने जब मैं काव्या को स्कूल से लेकर आ रही थी तब। उसके बाद हम दोनों ने घर पर आकर किया लंच। तो ये देखिए आज का हमारा लंच सिंपल सा ही है। फिर उसके बाद ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ रात को, जब मैं यहाँ पर बटाने भी गा रही थी। मैंने कहा चलिए मॉर्निंग की तैयारी कर लेते हैं। और आज काव्या के स्कूल में फूड फेस्टिवल, क्योंकि आज लास्ट पेपर है और आज से ही पड़ जाएंगी काव्या के स्कूल की छुट्टी, मतलब पेपर देने के बाद। तो आज सब बच्चे स्कूल में कुछ ना कुछ घर से इस तरीके से लेकर आए थे ताकि उनकी स्कूल में पार्टी हो सके। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे ब्रेड रोल, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काव्या को पसंद आई और वो काफ़ी टेस्टी बने भी थे। तो फिर इसके बाद दोपहर का यहाँ पर मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मैंने कपड़े रखे थे सूखना धोकर सुखाने के लिए। तो अब जो है कपड़े सूख गए, तो मैंने कहा चलिए घड़ी लगा लेते। और आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, और बाहर धूप भी कुछ अच्छी निकलती है। तो मैंने कहा चलिए ये काम भी लगे हाथ हो जाएगा तो अच्छा है, फिर उसके बाद बाकी के जो काम है वो हो जाएंगे मेरे। तो बेड देखिए मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मतलब मुझे खांसी हुई है थोड़ी सी, जिसकी वजह से मेरे को गले में थोड़ी खराश भी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने अभी सारे कपड़ों की घड़ी लगा दी है, कबाट पर रख दिया है। फिर उसके बाद ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गुड़ी पाड़वे के दिन का। मैंने कहा ना आप लोगों से कि ये ब्लॉग काफ़ी मिक्स ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को। छोटे छोटे सी क्लिप ऐसे रखी थी ब्लॉग की, तो मैंने कहा क्यों ना इन सबको एक ही कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैं लेप बना रही हूँ हल्दी का, क्योंकि मुझे बाहर दरवाजे पर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, ये हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी मैंने, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं आज इस तरीके से कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने लेप भी कर दिया। इसके बाद मैंने रंगोली भी निकाली थी, और मैंने ब्लॉग ना बनाए मतलब ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी मैं, जल्दी जल्दी में थी मैं। तो यहाँ पर मैं कुछ मीठा बना रही हूँ, तो यहाँ पर ये मावा लेकर आए थे, और साथ के साथ में ही मेरी पूरन पूरी की तैयारी भी चल रही है। तो यहाँ पर मैं पूरन पूरी बना रही हूँ। चने की दाल जो है वो मैंने पहले ही भिगा के रख ली थी, अब इसमें गुड़ और इलायची पाउडर मिक्स करना है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं मिक्सर में पीस लूँगी, क्योंकि मेरी जो पूरन पूरी की छन्नी है वो हो गई है ख़राब। तो मैंने कहा चलिए अभी मिक्सर से काम चला लेते हैं। फिर उसके बाद मैं पूरन पूरी की तैयारी करूँगी। आटा जो है मैंने पहले लगा के रख लिया था, जितना लेट तक आप आटा लगा के रखोगे उतना ही अच्छे से मतलब आटा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले लगा के रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए अब मैं पूरन पूरी बना लूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। और मैं काफ़ी मतलब इस दिन गुड़ी पड़वा वाले दिन ज़्यादा कुछ ब्लॉग शूट कर नहीं पा रही थी, क्योंकि ना मैं गई थी नीचे, क्योंकि आज हमारी लिफ्ट जो है उसकी पूजा थी, क्योंकि आज से ही लिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो नीचे पूजा थी, तो फिर हम लोग सब लोग नीचे गए थे, फिर मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि सब लोग बातें वगैरह कर रहे थे नीचे। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोग के साथ एक दो क्लिप मैंने ली है, फ़ोटो वगैरह शूट किया, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूरन पूरी बन रही है। उसके बाद देखूँगी मेरे घर के जो काम है वो थोड़े बहुत हैं वो होंगे। और तो आज गुड़ी पाड़वा है, तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी गुड़ी पाड़वा। तो ये देखिए आप लोगों ने गुड़ी पाड़वा वाले दिन क्या किया, मुझे भी कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पूरन पूरी बना रही हूँ। मैंने तो मिठाई बनाई थी और पूरन पूरी बनाई थी। शाम को मैंने बनाया था श्रीखंड पूरी, वो ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया ज़्यादातर, क्योंकि ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी दिन हो चुके मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि गला मेरा बहुत खराब दुख रहा था, लेकिन अब से मैं देख रही हूँ ब्लॉग बन रही। तो यहाँ पर पूरन पूरी बन के तैयार है, चलिए मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए मैंने सारी भाजी ले लिए कट करके। मैं बना रही हूँ आज सिंपल से फ्राई राइस, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ अलग बनाने का, क्योंकि ना बहुत थक गई थी। और आज मैं माल लेकर आई थी मेरे लटकन बनाने वाला, जो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ, तो वही आज पूरा दिन पर बना रही थी। तो फिर ना बहुत थक गई थी, और आज जब काफ़ी दिन के बाद गैप होने के बाद जब मैं माल लेकर आती हूँ ना, तो मेरे हाथों में सूजन आ जाती है ज़रा सी, तो फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा चलिए आज सिंपल सा फ्राई राइस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्राई राइस, और मैंने सारी वेजिटेबल्स जो जितनी भी ली थी मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, तो उन सबको मैंने मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से तेल में भूनने के बाद यहाँ पर राइस ऐड किया, फिर सारे गर्म मसाले ऐड कर दिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये देखिए राइस बनकर तैयार है एकदम। तो
टीचर नहीं मिलते आपको से थोड़ी देर में।